सड़कें आवाज दे रही हैं। रास्ते लोगों के चलने की आहट से कुछ अलग दिखाई पड़ रहे हैं। दूर कहीं से नजर आ रही है मरीचिका। कुछ हजारों कदमों का कंपन क्यों बढ़ रहा है? एक जत्थे के रूप में क्या आज इसका बढ़ना इतना जरूरी हो गया है? अगर हां तो सवाल है क्यों? त्रिवेंद्रम, केरला, जन आंदोलन 2018 से लगभग 2 महीना पहले। महिला भूमि संवाद यात्रा। कहा जाता है कि महिलाएं समाज की वास्तविक वास्तुकार होती हैं, मगर सालों से चले आ रहे शोषण के कारण इन वास्तुकारों के पास जमीन का अधिकार भी नहीं है। ऐसी ही समस्याओं को समझने और महिला भूमि अधिकार पर संवाद करने के लिए 4 महिला कार्यकर्ताएं 16 अगस्त 2018 को 12,000 किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ी। ये सफर केरल से शुरू होकर 12 राज्यों के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों से होते हुए ग्वालियर में होने वाले जन आंदोलन में समाहित होगा। मानते हैं कि जिनके पास जमीन है वो उनको किसान का दर्जा के रूप में उनकी पहचान होती है, गांव में उनका अपना एक आधार होता है जीने का, और उसमें ज्यादा परिपक्व है महिलाएं खेती से जुड़े कामकाज पर। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि महिलाओं को जीवन जीने के अधिकार के साथ साथ उनको किसान का दर्जा मिले। மண்ணின் ராஜாக்கன்மாராயிருந்தே எங்கடே குலவும் போய் எங்கடே மண்ணும் போய் காவும் களறியுமுக்கே போய். கட்னி, மத்திய பிரதேஷ், जन आंदोलन 2018 से 1 महीना पहले। एक दिन की दे कमाई मन में शेर गाव पाए, काम बिना अन्न बिना कोई वहां ना रहे शांति के सिपाही देख गाव गाव जा रहे। कटनी जिले के मानव जीवन विकास समिति सेंटर में गोरूर्बन का 5वां कैंप जन आंदोलन को समर्पित था। गोरूर्बन की मुख्य पहल ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के युवाओं के मध्य की दूरी को समाप्त करना है। लगभग 50 शहरी युवा मानव जीवन विकास समिति में ग्रामीण परिवेश एवं ग्रामीण सभ्यता को जानने एवं समझने के लिए एकत्रित हुए। उनके जीवन में एक बार झांकने पर युवाओं को उनके संघर्षों का एहसास हुआ। पानी के लिए संघर्ष, भूमि के लिए संघर्ष, न्याय के लिए संघर्ष को जब देखा समझा तो उन्होंने जन आंदोलन और अहिंसक आंदोलन की सही समझ और आवश्यकता को समझा। उन्हें ये भी पता चला कि शहरी आबादी के प्रतिनिधियों के रूप में उनकी भूमिका भारत के भूमिहीन लोगों के संघर्षों को हल करने के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाने में कैसे मददगार साबित हो सकती है।
गाँव गाँव जा रहे क्रांति गीत गा रहे, गाँव गाँव जा रहे क्रांति गीत गा रहे, शांति के सिपाही देख गाँव गाँव जा रहे। पच्चीस हजार भूमिहीन आदिवासी अपने अधिकारों के लिए यूं ही सड़क पर उतर जाएंगे, ऐसा एक दिन में तो नहीं हो सकता। इस आंदोलन को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। 24 दिसंबर 2005 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एकता परिषद के प्रतिनिधियों के बीच बैठक होती है। इस बैठक में भूमि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है और बैठक के 17 चरण पूरे होने पर भी कुछ नहीं होने पर 2007 में 25,000 भूमिहीन ग्वालियर से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। 30 अक्टूबर 2007 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत सरकार एक लिखित समझौता करती है और जनादेश की मांगों को स्वीकार करती है। लेकिन 2011 के आते आते हमें विश्वास होने लगा कि भारत सरकार वाकई में भूमि के मुद्दे को लेकर उतनी गंभीर नहीं है जितनी गंभीरता के साथ उन्होंने समझौते पे हस्ताक्षर किए थे। 2012 में एक बार 1,00,000 सत्याग्रही ग्वालियर में इकट्ठा हुए। सरकार की एक लचर प्रक्रिया से परेशान भूमिहीनों ने नारा लगाया, जमीन दो या जेल दो। और जब 1,00,000 लोग ये बोलते हैं कि जमीन दो या जेल दो, तो सरकार के सामने एक नैतिक संकट तो होना ही था। इस बार केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश आगरा में ही पहुंच गए और एक लिखित समझौता एक बार फिर हुआ। 2014 में सरकार के बदलने से सारी प्रक्रिया को फिर से करने की जरूरत पड़ी। 2015 से 2017 के बीच में 11 बार बैठक के बाद भी जब जमीनी स्तर पर कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा था, तो फिर जरूरत पड़ी कि भूमिहीन और सरकार आमने सामने हों। तो एक बार फिर हम लोगों ने घोषणा की कि इस बार हम जन आंदोलन करेंगे और फिर भारत सरकार और हम आमने सामने होंगे, ताकि हमारी जो 10 साल पुरानी जो मांग जो है, जो 2008 में भारत सरकार ने मंजूर की थी, उसको 2018 में पूरा करें। 1 अक्टूबर 2018, यात्रा से 3 दिन पहले ग्वालियर का मेला मैदान तैयार था, जैसे कि किसी जन क्रांति का आह्वान किया गया हो। हवा में संघर्ष का भाव घुलने लगा था। आज में सरकार नहीं सुनवाई लिया है हमको, नहर किनार में घर बनाकर है, उजारे उजारे कहता है, हम लोग का नहीं दे रहा है। वह साल से दौड़े दौड़े थक रहा है, अब क्या करे, कोटो नहीं अभी मिल रहा है, देह पर बस्तर नहीं है, बाल बच्चा भूख मर रहा है, क्या करे अब हम गरीब लोग। मजदूरी करे जाता है तो 50 रुपया दिखाता है, 25 रुपया दिखाता है, भर दिन करता है मजदूरी का, क्या करे, हमें नहीं पेट भरता है। 17 राज्यों से आए 25,000 सत्याग्रही मेला मैदान में अगले 3 दिनों तक रहने वाले थे। जब नजर घुमाकर कोई देखता था, तब उस व्यक्ति को संपूर्ण भारत 104 एकड़ में एक जगह दिखाई पड़ता था। पर ये कौन सा भारत है? ये विकासशील भारत प्रतीत नहीं हो रहा? कौन है ये लोग जो 4 पूड़ी और आलू में पूरा दिन निकालने के लिए तैयार बैठे हैं? इनके गंदे मैले कपड़े आधुनिक भारत के तो नहीं लगते? या फिर यही असली भारत है, वो भारत जो मंगल ग्रह तक पहुंच गया है पर अपने ही मूल निवासियों को जमीन तक नहीं दे पाया है? शायद यही असली भारत है, बाकी सब एक कपट वेश का आवरण है। 25,000 सत्याग्रहियों के रहने, खाने, नहाने और राशन की व्यवस्था अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जन आंदोलन 2018 को सृजनात्मक रूप से करने की जिम्मेदारी उसी समूह ने ली जिसने 2012 में 1,00,000 सत्याग्रहियों की व्यवस्था की थी। पूरे देश भर से 25,000 सत्याग्रही आएंगे, उनको 25 शिविरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक शिविर में 1,000 सत्याग्रही होंगे। 1,000 लोगों की व्यवस्था के लिए, भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की तैयारियों के लिए प्रत्येक शिविर से 4 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 25,000 लोगों को सड़कों पर एक साथ आते देखना एक अद्भुत घटना है।
वास्तविक संघर्षों को बेहतरी से समझने एवं भूमिहीन लोगों के आंदोलन तथा पीड़ा का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए शहरी युवा यात्रा में शामिल हुए एवं वॉलंटियरिंग की। सड़क पर चलने का ताकत गरीबों का है, भूखा रहने का ताकत गरीबों का है, बिना नहाए एक हफ्ता रहने का ताकत गरीबों का है। ये सब जो ताकत है, असली ताकत गरीबों का, उस ताकत को इकट्ठा करके सरकार के ऊपर कैसे दबाव बना जा सकता है, उसका एक कोशिश है जन आंदोलन 2018। इसमें यदि शहरीय लेवल की यूथ के सामने से देखेंगे, ये एक एजुकेशनल प्रोसेस है उन युवाओं को जो अपनी गांव और अपनी ज़मीन और अपनी जंगल छोड़ के शहर और मिडिल क्लास और वेस्टर्न सपने के पीछे भग रहे हैं, क्योंकि ज़मीन के बिना रहना मुश्किल है। दो अक्टूबर 2018 महात्मा गांधी जी की जयंती। एकता परिषद ने अब तक जितने आंदोलन किए हैं उनमें दो महत्वपूर्ण आधार रहे हैं, अहिंसा एवं गांधी विचारधारा। अहिंसा मानव के लिए सबसे बड़ी ताकत है, ये आदमी द्वारा तैयार विनाश के ताकतवर हथियारों से अधिक शक्तिशाली है। ग्वालियर के मेला मैदान में गांधी जयंती के उपलक्ष पर सभा का आयोजन हुआ। बिहार से, झारखंड से बहुत बड़ा लोग मध्य प्रदेश पे आए, सभी लोग मंच पे, मीडिया टीम, हमारा बायो बैनो बच्चे जय जगत। केरल से चली 2 महीने लंबी महिला भूमि संवाद यात्रा की महिला साथियों का भी मेला मैदान में आगमन हुआ। हम क्या बात करना चाहते हो? हम चाहते हैं कि इस देश की आधी आबादी अगर महिलाओं की है तो महिलाओं के नाम से जमीन होना चाहिए, महिलाओं के नाम से आवास होना चाहिए, महिलाओं के नाम से इस नदी नालों का नाम सिर्फ रखा गया है पर उस पर अधिकार महिलाओं का नहीं है। इस सभा में पूरे भारत से प्रसिद्ध गांधी विचारक और गांधीवादी सामाजिक संस्था के प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के विचारों एवं कहानियों को सभी ने सुना। महात्मा गांधी हमसे बोल रहे हैं, बंदूक लेने की जरूरत नहीं, बंदूक लेना अच्छा भी नहीं। 3 अक्टूबर 2018 यात्रा से एक दिन पहले पच्चीस हजार भूमिहीनों की चीख से कुछ कंपन तो हुआ था, कुछ लहरें भी उठी थी। फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा में आकर सत्याग्रहियों से मिलने की इच्छा प्रकट की। ये गरीबों की समस्या का लगातार समाधान होना रहे और ये मेरा फैसला, घोषित फैसला है कि जितनी आबादी गरीबों की है बजट का उतना हिस्सा केवल गरीब कल्याण पे खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के तुरंत बाद ही दिल्ली सरकार से संदेश आया। 25,000 लोग इतना बड़ा काम कर सकता है तो लाखों लोग आ जाए तो क्या नहीं हो सकता, वही तो सुभाष भाई कह रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन मैं केंद्रीय राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार जी को भेजना चाहता हूँ। और ये मंत्री किस के हैं? ये महिला एवं बाल विकास के मंत्री हैं और अल्पसंख्यक विभाग भी उनके पास है। क्या आप उनको बुलाना चाहते हैं? बुलाना चाहते हैं तो आप उनको। श्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने चर्चा के उपरांत सत्याग्रहियों के सामने केंद्र सरकार द्वारा प्रेक्षित संदेश पत्र पढ़ा। पत्र में सरकार द्वारा भूमि सुधार हेतु लिए गए कदम एवं उनके भविष्य की कार्यनीति का विवरण मुख्य रूप से पत्र में था।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आना एक अच्छा संदेश था एवं केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी एक अच्छा संकेत एवं आश्वासन था। पर 6 वर्ष तक इंतजार करने वाले भूमिहीन सत्याग्रही ये जानते हैं कि ये ना काफी है, इससे बड़े प्रभाव के बाद ही ये संघर्ष समाप्त किया जाएगा। क्रांतिकारी इरादा 4 अक्टूबर 2018 जन आंदोलन यात्रा की शुरुआत। अटल रही रे होंगी मांगे ना पूरीता, चलते रही रे होंगी मांगे ना पूरीता, चलते रही रे। 25,000 लोगों की पद यात्रा जब शुरू हुई तो हड़कंप समझ गया। खबर लगते ही अखबार एवं मीडिया के साथी भी यात्रा को कवर करने पहुंचे। हमारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन हमारी आवश्यकता है कि जनता के ताकत के आधार पर हम सरकारों से काम करना सीखें, तभी तो डेमोक्रेसी सही में डेमोक्रेसी बनेगी। भारत के कोने कोने से आए आदिवासियों के सड़क पर आते ही ग्वालियर शहर थोड़ा सा रुक गया। थोड़ी देर में यात्रा शहर के बाहर थी। रास्ते में लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ सत्याग्रहियों को पानी भी पिलाया। देखते ही देखते सूरज सर के ऊपर आ चुका था, पर इन 25,000 सत्याग्रहियों ने शायद इससे ज्यादा कठिन परिस्थिति का अनुभव किया है। हमारे तो वो जो ह्यूमन बीइंग है, वो जो ह्यूमन राइट जी, वो तो देते नहीं। तो क्यों, कहाँ रहूं हम, हवा में ऐसा रह सकेंगे क्या? हम जानवर भी नहीं है, जानवर में भी वहाँ उन पक्षियों के भी घर घोंसले रहते, सही बात। हम कहाँ रहेगा, ये सोचना सही है। इसलिए हम डिमांड करने के लिए यहाँ दिल्ली तक आ रहे हैं। कोई बच्चों को लेकर आया था तो कोई नंगे पैर, कोई तमिलनाडु से आया था तो कोई मणिपुर से। सड़क पर 25,000 लोगों के साथ 25,000 कहानियां चल रही थी। 1997 में तो अपने तीनों आंदोलन ऐसे ही किए। हाँ, तीनों आंदोलन ऐसे किया, उसके अलावा भी तिंदा में गए छत्तीसगढ़ में जी, एक बार बिहार में गए जी, और अपने मध्य प्रदेश को कई बाल से, मतलब अपने गाँव से बोलता हूँ। हमने हमारे बाप दादा जो मेरे को काबिज किए जी, उनका शासन पट्टा देने में आना कार्य करना जी, किसी भी हमको रैली करना करना पड़ा जी जी, ऐसे ऐसे जबरदस्त हिम्मत है आपके मोनू भाई का जी। ये हिम्मत हार जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखते ही देखते यात्रा का पहला दिन समाप्ति की ओर बढ़ गया। शाम होते होते यात्रियों के भोजन की तैयारियां शुरू होने लगी। श्री राजगोपाल, पीवी एवं जिल कार्ल हैरिस, साथ ही साथ एकता परिषद के बड़े नेताओं ने सभी समूहों में जाकर जायजा लिया। रात होते ही सभी सत्याग्रही अपने आराम की व्यवस्था में पहुंच गए, लेकिन जैसे ही कैंप की लाइट जली एक अद्भुत सा नजारा सामने था, मानो सड़क के एक तरफ पूरा शहर बस गया हो। पांच अक्टूबर 2018 जन आंदोलन का पांचवा एवं यात्रा का दूसरा दिन। 5 अक्टूबर की सुबह सत्याग्रही अपने दैनिक रूप में अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर झूमते गाते हुए दिल्ली की ओर निकल पड़े। सड़क हरे और सफेद रंगों से भरी हुई थी। 1,25,000 लोगों के चलने से जो कंपन पैदा हो रहा था, उसकी तीव्रता दिल्ली में महसूस की जा रही थी। सुबह से ही किसी बड़े नेता के आने की खबरें सत्याग्रहियों में चल रही थी। इस दौरान 38 डिग्री टेम्परेचर की चिलचिलाती गर्मी में तपती सड़कों पर चलते हुए, गीत गाते हुए और नारे लगाते हुए यात्रा अपने विश्राम स्थल पर पहुंची। सरकार से जवाब मांगने जा रहे हैं, जब के जमीन दे कि हम लोग सबको जेल भेजिएगा,
अगर जमीन दे दीजिएगा ना तो हमको जेल भेज दीजिएगा, ऐसे हमारा बाल बच्चा वो जेल में रहेगा तब पढ़ लेगा, लेकिन यहाँ पर तो भूखा ही मर जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं सरकार से मांगने जा रहे हैं जो हमारे जमीन के पट्टा दे दो, हमारे बाल बच्चा का लाइफ बन जाए। रात होते होते सड़क पर ही कुछ वॉलंटियर्स द्वारा मेडिकल कैंप लगाया गया। दूसरी तरफ दिन भर के कार्यों की चर्चा और अगले दिन की योजना बनाई जाने लगी। इसी बीच यह खबर आई कि अगले दिन केंद्र सरकार में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सत्याग्रहियों से मिलना चाहते हैं। 6 अक्टूबर 2018 जन आंदोलन का निर्णायक दिन। यात्रा अपने दैनिक रूप में सड़क पर चल रही थी। ये एक निर्णायक दिन था। 25,000 भूमिहीन आदिवासी अपनी जमीन के संघर्ष की मशाल लेकर मुरैना में प्रवेश करने जा रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आश्वासन, भारत सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी के बाद विपक्ष एवं भारत की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता आज सत्याग्रहियों के समक्ष अपनी बात रखने के लिए आने वाले थे। मंच पर भारत के सक्रिय विपक्ष के लगभग सारे नेता बैठे थे, जिनमें श्री राहुल गांधी के साथ दिग्विजय सिंह, कमलनाथ एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। सभा में बैठे सत्याग्रहियों को ये आभास था कि कुछ बड़ा होने वाला है। आदिवासी अपनी जमीन के लिए जिंदगी देता है, मरता है, दिन भर लड़ता है, और जब हिंदुस्तान के 10-15 जमीन मांगते हैं तो जादू से उनको हजारों एकड़ जमीन मिल जाती। जैसे ही मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, ट्राइबल बिल को हम लागू करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने प्रस्ताव रखा कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां जन आंदोलन की शर्तों को क्रियान्वित किया जाएगा, एवं जहां हम आने वाले चुनावों में सत्ता में आएंगे वहां भी इस पर अमल किया जाएगा। जैसे माँ घर में छोटे बच्चे को पहले खाना खिलाती, माँ घर में बीमार आदमी का पहले ध्यान रखता है। अगर माँ को पता है गवर्नेंस क्या है तो नेताओं को क्यों नहीं पता है गवर्नेंस क्या? आपको भी समझ में आना चाहिए कि अंध व्यक्ति को, तकलीफमंद लोगों को मदद करते हुए जो गवर्नेंस है वही सही गवर्नेंस। जैसे विनोबा भावे ने कहा, आसमान सबके लिए, सूरज भगवान की रोशनी सबके लिए, बारिश के पानी सबके लिए, हवा सबके लिए, तो जमीन भी सबके लिए। ये कैसे हो गया? कुछ लोगों ने सारे जमीन हड़प लिया और बाकी लोगों को अपने झोपड़ी बनाने के लिए भी जमीन नहीं है। राजा जी ने श्री राहुल गांधी का धन्यवाद किया और सत्याग्रहियों से जन आंदोलन को यहीं पर स्थगित करने को लेकर राय मांगी। फिलहाल आंदोलन को खत्म करके वापस जाना चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं कि अभी फिलहाल इतनी बात काफी है, आंदोलन को खत्म करके वापस जाए और अपने अपने इलाके में आंदोलन को जारी रखे, ऐसे सोचने वाले लोग ऊपर उठाएं, झंडा ऊपर करें। जिनको लगता है कि अब हमने 4 आंदोलन किया, बहुत अच्छा किया, बढ़िया किया। जन आंदोलन को मुरैना में 6वें दिन समाप्त किया गया। याद रहे, जन आंदोलन समाप्त हुआ है, आंदोलन नहीं। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को जल, जंगल, जमीन का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। जन आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। जन आंदोलन का पहला भाग जो है ग्वालियर से मुरैना समाप्त हो गया। वापस जाकर जन आंदोलन को अपने अपने जिले में, अपने अपने तहसील में, अपने अपने प्रांत में जारी रखेंगे। बहुत अच्छा। तो अब सब लोग तालियों से, बहुत अच्छा। अब आप सब लोग आराम से चल के मंडी में जाकर खाना खा सकते हैं। शाम को धीरे धीरे यहाँ से विदा हो सकता है। सबको जय जगत।